जब अक्रूर जी श्री भगवान की स्तुति कर रहे थे, भगवान जल में से उसी प्रकार अंतर्धान हो गए जैसे कोई कुशल अभिनेता अपनी वेशभूषा परिवर्तित करके अपने मूल रूप में आ जाता है। विष्णु मूर्ति के अंतर्धान होने के पश्चात अपनी शेष पूजा समाप्त करके वे श्री कृष्ण तथा बलराम जी के रथ के समीप गए और आश्चर्यचकित हो गए। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें जल अथवा गगन में किसी अद्भुत वस्तु के दर्शन हुए थे। अक्रूर जी ने कहा, प्रिय भगवन, चाहे आकाश में हो, धरती पर अथवा जल में, इस जगत में होने वाली सभी अद्भुत घटनाएं वस्तुतः आप ही के विश्व रूप में प्रकट हो रही है। अतएव जब मैंने आपके दर्शन कर लिए, तब कौन सी अद्भुत वस्तु मुझसे अनदेखी रह गई। यह कथन इस वैदिक निष्कर्ष की पुष्टि करता है कि जिसने श्री कृष्ण को जान लिया है, उसने सब कुछ जान लिया है, तथा जिसने श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए, उसने चाहे कैसी भी अद्भुत वस्तु हो, सबके दर्शन कर लिए हैं। अक्रूर जी ने आगे कहा, मेरे आराध्य देव, आपके दिव्य स्वरूप से अधिक अद्भुत और कुछ नहीं हो सकता है। जब मैंने आपके दिव्य रूप के दर्शन कर लिए, तब देखने को और शेष रहा ही क्या। यह कहने के उपरांत अक्रूर जी ने तत्काल रथ को चला दिया। सूर्यास्त तक वे मथुरा नगर की सीमा के निकट पहुंच गए। वृंदावन से मथुरा के मार्ग में सभी पथिक जिन्होंने श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन किए, विवश होकर बारंबार उनको निहारने लगे। इसी बीच नंद तथा उपनंद के नेतृत्व में वृंदावन के अन्य नागरिक वनों को पार करके पहले से ही मथुरा पहुंच चुके थे। वे श्री कृष्ण तथा बलराम जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मथुरा के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर श्री कृष्ण तथा बलराम जी रथ से उतर गए तथा विनित भाव से अक्रूर जी से हाथ मिलाकर बोले, अब आप घर जा सकते हैं, क्योंकि हम अपने साथियों के साथ थोड़ी देर बाद मथुरा में प्रवेश करेंगे। अक्रूर जी ने उत्तर दिया, प्रिय भगवन, आपको छोड़कर मैं अकेले मथुरा नहीं जा सकता हूँ। मैं आपका शरणागत दास हूँ, कृपया इस प्रकार मेरा त्याग करने का प्रयास न कीजिए। कृपया आप अपने ज्येष्ठ भ्राता और ग्वाल बाल सखाओं सहित मेरे साथ आकर मेरे घर को पावन कीजिए। प्रिय प्रभु, यदि आप आएंगे तो आपके चरण कमल की रस से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। आपके पाद पद्मों से निकला श्वेत जल या पसीना गंगा के नाम से प्रसिद्ध है, और वह अग्नि व अन्य देवताओं तथा समस्त पितरों सहित प्रत्येक वस्तु को पावन कर देता है। बलि महाराज केवल आपके पाद पद्म पखार कर प्रसिद्ध हो गए तथा गंगा जल के संपर्क में आने के कारण उन्हें स्वर्गलोक में स्थान मिला और उन्होंने समस्त सांसारिक ऐश्वर्य का भोग किया और अंततः सर्वोच्च तथा देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त की। गंगा जल न केवल तीनों लोकों को पावन करता है, अपितु शिवजी इसे शीश पर धारण करते हैं। भगीरथ के पूर्वज इस जल से पवित्र होकर स्वर्ग लोकों को सिधारे। हे देवताओं के आराध्य देव,
हे समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, आपकी दिव्य लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य शुद्ध हो सकता है। हे परम नारायण, जिनकी स्तुति उत्तम श्लोकों से की जाती है, मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अक्रूर जी, यदुवंश से द्वेष रखने वाले सभी असुरों का वध करने के उपरांत मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के साथ अवश्य ही आपके घर आऊँगा। इस प्रकार मैं अपने सभी संबंधियों को प्रसन्न करूँगा। श्री भगवान के इन वचनों को सुनकर अक्रूर जी किंचित निराश हो गए, किंतु वे भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सके। अतयो उन्होंने मथुरा में प्रवेश किया और कंस को श्री कृष्ण के आगमन की जानकारी देने के पश्चात अपने घर चले गए। अक्रूर जी के प्रस्थान के पश्चात श्री कृष्ण, बलराम जी तथा ग्वाल बालों ने नगर दर्शन के हेतु मथुरा में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि मथुरा का प्रवेश द्वार उच्च कोटि की स्फटिक शिला अर्थात संगमरमर से अत्यंत सुगढ़ता से निर्मित था तथा उसके गोपुर या द्वार शुद्ध कंचन से बने थे। चारों ओर सुंदर उपवन थे। नगर के चारों तरफ नहरें फैली हुई थी जिससे कोई शत्रु सरलता से नगर में प्रविष्ट ना हो सके। उन्होंने देखा कि नगर के सभी चौराहे स्वर्ण से अलंकृत थे और अन्न इकट्ठा करने के लिए तांबे और पीतल के गोदाम थे। वहाँ बहुत से धनी लोगों के घर भी थे जो एक जैसे दिखते थे और ऐसे प्रतीत होते थे मानो एक ही शिल्पी ने उनका निर्माण किया हो। घरों की सज्जा मूल्यवान रत्नों से की गई थी तथा प्रत्येक घर में फूलों तथा वृक्षों से युक्त प्रांगण थे। घरों की वाटिकाएं, मार्ग और बरामदे रेशमी वस्त्रों तथा रत्नों व मोतियों की कढ़ाई से अलंकृत थे। छज्जे के झरोखों के समक्ष कबूतर तथा मोर बोल रहे थे और विचरण कर रहे थे। नगर के भीतर सभी अन्य विक्रेताओं की दुकानें भांति भांति के पुष्पों, मालाओं, कोमल दुर्वा तथा खिलते हुए गुलाबों जैसे फूलों से अलंकृत थी। घरों के मुख्य द्वार पर जल से पूर्ण कलश सुशोभित थे तथा चारों ओर दधि चंदन कालेप तथा फूलों से मिश्रित तथा जल छिड़का हुआ था। जलते हुए दीपकों से सुशोभित अनेक आकार प्रकार के पुष्प द्वारों की शोभा बढ़ा रहे थे। घरों के सभी द्वारों पर आम के नूतन पल्लवों तथा रेशमी ध्वजाओं का अलंकरण था।